वही उत्तर प्रदेश में कावड़ रूट पर नाम लिखने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के जवाब दाखिल करने के बाद कोर्ट ने ये आदेश दिया है। देश की शीर्ष अदालत में उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर शुक्रवार यानी 26 जुलाई को सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार के नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर रोक लगाने का फैसला बरकरार रखा और कहा कि अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कहा, कावड़ यात्रा के दौरान खाने पीने के सामान से भ्रम होता है, खासकर प्याज लहसुन के इस्तेमाल को लेकर झगड़ा होता था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को भी अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। सोमवार यानी 22 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है, खाद्य विक्रेताओं को मालिकों और कर्मचारियों के नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें कावड़ रूट पर पड़ने वाले दुकानों पर दुकानदारों का नाम लिखने का आदेश दिया गया था।